बिहार में लगे लॉकडाउन के बावजूद अपराध का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में भी लॉकडाउन के दौरान पुलिस की मौजूदगी में अपराधियों का तांडव जारी है। पटना सिटी के मालतलामी थाने के दमराही घाट रोड इलाके में चार नकाबपोश लुटेरों ने किराना कारोबारी को शिकार बनाया है। बताया जा रहा है कि तीन बाइक पर सवार चार लुटेरों ने किराना कारोबारी का पीछा किया। पिस्तौल की नोक पर बदमाशों ने झोले में रखे लगभग 6 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित कारोबारी अमरदीप कुमार ने बताया कि हथियार की नोक पर उन्हें बदमाशों ने लूट लिया। अमरदीप ने बताया कि बदमाश पैसे के साथ उनकी गाड़ी भी लूट कर ले गए। पीड़ित किराना कारोबारी ने बताया कि वो मारूफगंज मंडी से अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था। इसी दौरान तीन बाइक पर सवार नकाबपोश लोगों ने उसे पीछा कर घेर लिया। दो लुटेरों ने आगे और पीछे से दो पिस्टल तानकर उसे पूरी तरह से काबू में कर लिया था और हथियार की नोक पर झोले में रखा सारा रुपया छीनकर फरार हो गया। वही गाड़ी छीन लिया, झोला छीन लिया, दुकान के सामान वान सब छीन लिया। क्या कहाँ से आ रहे हैं? मारूगंज दुकान से। क्या क्या था झोला में? आपको झोला में आज का कलेक्शन है, बिक्री है, पत्ती है, पूरा पत्ती है, तगादा वाला। कितना रकम था? यही है 5 से 6 के बीच में होगा, गिना हुआ नहीं है। 5-6 क्या? 5-6 लाख के बीच में है। कैसे, किस गाड़ी से था वो लोग? वो लोग दो चक्का से था, तीन गाड़ी पर चार आदमी। और क्या किया उसके बाद? आया गाड़ी में सटा दिया, बोला कि रोकी रोकी हमको क्या बात है जी, गाड़ी में धक्का काय मारा। तो कहा उतने में बोलते बोलते पीछे से गाड़ी वाला आया, वो हमको पीछे से मिला दिया, ऐसे गाड़ी से उतरो। फिर चौथा आदमी आया तो गाड़ी छीन लिया। आपका मोटरसाइकिल छीन लिया? मोटरसाइकिल से। क्या चीज़ का दुकान है? और किस चीज़ का दुकान है आपका? मिठाई का। मारूगंज में क्या गन पॉइंट पर लेकर के लूट किया? सब लोग के हाथ में था? चार आदमी में था, दो के पास था गन। कितने लोग थे वो लोग? चार आदमी। तीन गाड़ी पर। क्या नाम है आपका? अमरदीप। वहीं दिन दहाड़े पैसा लूटने के बाद लुटेरे मौके से बड़े आराम से फरार हो गए। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पीड़ित कारोबारी की लिखित शिकायत पर केस की जांच शुरू कर दी है। लुटेरों का सुराग लगाने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। मालत सलामी इलाके में हुए इस कांड से कारोबारियों में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस के सुरक्षा के दावे पर भी बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।